हेलो बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए कि टू ब्लॉक्स हैं हम लोगों के पास। एक का मास मैं M1 मान लेता हूँ, एक का मास M2 ले लेता हूँ, और एक का एक्सलेशन A1 है, दूसरे का एक्सलेशन A2 है, और जो स्ट्रिंग और पुली यूज हुई है वो मासलेस है। तो हमें इन एक्सलेशन के बीच रिलेशन निकालना है। तो अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से कुछ हम लोगों के पास एक ब्लॉक ऐसे है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है एक्सलेशन A2 से, और एक ब्लॉक यहाँ ऐसे अटैच है जो कि वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है एक्सलेशन A1 से। तो अगर मुझे इन दोनों में एक्सलेशन में रिलेशन निकालना है तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, समेशन सिग्मा टी डॉट ए, जो बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, जो बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट ये सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता, कहीं कुछ कंडीशन है जहाँ ये नहीं लगेगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन तो लॉज ऑफ मोशन में कर ही सकता है। तो हम इसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लेंगे, कौन कौन, टेंशन और एक्सलेशन। तो अगर मैं पहले वाले ब्लॉक का इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए टेंशन T1 ऊपर लगेगा और इसका एक्सलेशन A1 भी ऊपर है। तो इन दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा 0 हो गया। दूसरा वाला ब्लॉक, दूसरे वाले ब्लॉक पे टेंशन T ऊपर लगा और इसका एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये एंटी पैरेलल है, तो थीटा इनके बीच 180 डिग्री हो गया। अब आप लगा दीजिए सिग्मा टी डॉट ए दोनों ब्लॉक्स के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले के लिए लगाओगे आप तो टी A1 cos 0, दूसरे के लिए प्लस सिग्मा मतलब प्लस टी A2 cos 180, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी A1 माइनस टी A2 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब A1 बराबर A2। तो ये जो एक्सलेशन है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सलेशन इक्वल